का स्वागत है चुनावी रण में। जैसे जैसे राजनेता चुनाव में उतर गए हैं, वैसे वैसे अब फिल्म अभिनेता भी चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता रवि किशन शुक्ला 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर चुके हैं। बुधवार को रवि किशन ने भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अभी चुनाव कौन सी लोकसभा सीट से लड़ेंगे यह भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। साउथ की फिल्मों के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु सेंट्रल से उनके नामांकन दाखिल करने के पहले ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। प्रकाश राज इस चुनाव के बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बेंगलुरु सेंट्रल से मैदान में उतर रहे हैं और फिल्मों से राजनीति में कदम रख रहे हैं। देखिए कुछ ताजा तस्वीरें कि किस तरह अभिनेता प्रकाश राज कर्नाटक में काफी लोकप्रिय है। वही एक और मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। पहले खबर आई थी कि सपना कांग्रेस में शामिल हो गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है। और हालांकि इस खबर के आने की कुछ ही देर बाद सपना चौधरी ने खुद साफ कह दिया कि ना तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेगी और ना ही किसी पार्टी का प्रचार करेगी। तो क्या सपना चौधरी उतरेगी भाजपा में या फिर कांग्रेस में उतर सकती है? Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.